गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9 वंशानुक्रम तथा जैव विकास। और इसके इस चैप्टर में जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो डिस्कस किया था कि जीन गुणों का निर्धारण कैसे करते हैं, या हम ये कहें कि जीन गुणों को नियंत्रित कैसे करते हैं, ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि मानव में ब्लड ग्रुप किस प्रकार निर्धारित होता है। हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुप अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे हम कहते हैं किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है, किसी का ओ ब्लड ग्रुप है, तो वे अलग अलग ब्लड ग्रुप होने के क्या कारण है, वही हम डिस्कस करते हैं। देखो, ब्लड ग्रुप अलग होने का मतलब क्या है कि उसमें ब्लड अलग प्रकार का है। तो चार प्रकार के ब्लड ग्रुप मिलते हैं। एक ब्लड ग्रुप होता है ए, एक बी, एक ए बी और एक होता है ओ। अब ये समझ लो, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है या बी है, उनमें ये ए और बी में अंतर क्या है। देखो, अंतर होता है जो हमारी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिका के ऊपर एक पदार्थ मौजूद होता है, उसमें कोई यौगिक चिपका रहता है। वो यौगिक अलग अलग प्रकार का होता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें कोई अलग यौगिक चिपका हुआ मिलेगा, और जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसमें कोई अलग यौगिक चिपका हुआ मिलेगा, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें कोई अलग यौगिक चिपका हुआ मिलेगा। मतलब कहने का, जो ब्लड ग्रुप में अंतर आया है, या ये कह लो सीधा कि रक्त में जो अंतर आया है, वो आया है रक्त कोशिका के ऊपर जो यौगिक चिपका होता है उसके कारण। जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, तो उस व्यक्ति की जो लाल रक्त कोशिका है, जैसे लाल रक्त कोशिका है, उसके ऊपर जो पदार्थ चिपका हुआ है, ये पदार्थ कुछ भी हो सकता है। भाई याद रखना, ये पदार्थ हो सकता है कार्बोहाइड्रेट है, हो सकता है प्रोटीन है, या दोनों का मिला जुला ग्रुप है। मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों जुड़े भी हो सकते हैं आपस में। मतलब ये जो पदार्थ चिपके हुए हैं, ये वसा से भी बना हो सकता है, प्रोटीन से भी बना हो सकता है, और हो सकता है कि दोनों से बना हो। तो जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, उसके लाल रक्त कोशिका के ऊपर ये पदार्थ चिपका हुआ है। देखो, ये गोल सा पदार्थ चिपका हुआ है, देखो सभी में, ठीक है ना। अब जब हम दूसरे व्यक्ति के पास जाएंगे जिसका ब्लड ग्रुप बी है, वो बी क्यों हुआ, क्योंकि उसके लाल रक्त कोशिका के ऊपर ऐसी चीज नहीं चिपकी हुई थी, कोई दूसरे प्रकार की चिपकी हुई थी, और वो ये थी, ठीक है। मैं सिर्फ बना के दिखा रहा हूं समझाने के लिए कि ये चीज ऐसे चिपकी हुई है, लेकिन इससे अलग प्रकार की है। ये कोई ना कोई यौगिक है, ये याद रखना। यौगिक किसका, या तो कार्बोहाइड्रेट है, या प्रोटीन है, या वसा है, या फिर सभी के, आप उन तीनों का कोई मिला जुला रूप है, ठीक है। अब जो ब्लड ग्रुप ए है, उसमें कोई पदार्थ ए इस प्रकार का चिपका हुआ है। इसमें ब्लड ग्रुप बी है, इसमें देखो ये इस प्रकार के पदार्थ चिपका हुआ है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो इसके ऊपर वाली सतह पे ये लाल रक्त कोशिका पे ए वाले भी चिपके होंगे, देखो ये ए वाले हैं, और बी प्रकार के भी चिपके होंगे, ये बी प्रकार के हैं, ठीक है भाई। अब जो ओ ब्लड ग्रुप है, इसमें लाल रक्त कोशिका के ऊपर कोई भी यौगिक बाहर चिपका हुआ नहीं होता। ये तो बात हो गई किसकी, लाल रक्त कोशिकाओं की। तो ये चार प्रकार के ब्लड ग्रुप होने का मतलब क्या है कि उनकी लाल रक्त कोशिकाओं में अंतर है, कि जिसके जिसकी लाल रक्त कोशिका पे ये यौगिक चिपका हुआ है तो उसमें ब्लड ग्रुप ए, जिस पे ये चिपका हुआ है तो ब्लड ग्रुप बी, जिस पे दोनों चिपके हुए तो ब्लड ग्रुप ए बी, और जिस पे कोई भी नहीं चिपका वो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ, ठीक है। ये तो होगी लाल रक्त कोशिका की। अब ये लाल रक्त कोशिका किस में है, किसी द्रव पदार्थ में होती है। हम पढ़ चुके हैं रक्त के बारे में कि ये एक द्रव पदार्थ में होती है, उसको हम सीरम कह सकते हैं, ये उसको प्लाज्मा बोला जाता है। तो उस प्लाज्मा के अंदर ये तो लाल रक्त कोशिका होगी। अब उस प्लाज्मा में फाइट करने के लिए कुछ एंटीबॉडीज होती हैं, बाहर से अगर कोई चीज अंदर हमारी बॉडी में एंटर करेगी तो वो जो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, ये समझ रहे, ये एंटीबॉडीज हैं, ये क्या करेगी, अगर कोई बाहर से एंटीजन आता है ये उसको पकड़ लेंगी। अब देखो इसमें इनकी शक्ल कैसी है, आगे से इनकी शक्ल कैसी है, ये है इस प्रकार से। इसमें
इनमें से कौन सी चीज अंदर फिट बैठ सकती है, कौन सी चीज, ये वाली, ये तो नहीं बैठेगी, ये तो गोल है, इसमें ये देखो ये चकोर है ना, मतलब वर्गाकार है, तो ये इसके अंदर फिट बैठ जाएगी। मतलब कहने का जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके रक्त में एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज मतलब मारने वाली है, किसको मारने वाली, इसको मारने वाली मतलब बी वाले को और ए बी वाले को, क्योंकि ए बी वाले में भी इस प्रकार का देखो समूह चिपका हुआ, इसके पास मुंह है, सिरा है, इसको पहचानने के लिए, इसको पहचानने के लिए, और इस ए बी के पास भी ये है, तो ये वाला जो एंटीबॉडीज है इसको भी पहचान लेगा, क्योंकि इसके आगे वाला हिस्सा ही ऐसा है कि जो इनको पहचान सके दोनों को, बात समझ में आएगी। अब इसके पास तो है ही नहीं, इसके पास तो इनमें कोई भी नहीं है, तो ये इसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन अगर ये वाला या ये वाला, ये आदमी है कोई जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है भाई, इस ब्लड ग्रुप के आदमी ने ये ले लिया बी ब्लड ग्रुप अपनी बॉडी में, तो देखो इसकी एंटीबॉडीज जो थी, इसके रक्त में एंटीबॉडीज थी, वो क्या करेंगी, इसके इनको क्या समझेगी, ये तो फॉरेन पार्टिकल है, क्यों, क्योंकि इसके पास ऐसा मुंह है कि वो इसको चिपका ले अपने अंदर, एंटीबॉडीज होती है फॉरेन पार्टिकल्स को पकड़ के मारने वाली, तो इनको ये तो क्या कर लेगी, ये एंटीबॉडीज इनको पकड़ लेंगी, क्योंकि इनके पास ऐसा मुंह है कि इनको पकड़ लेगी। तो कहने का मतलब क्या है, जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसके रक्त में एंटीबॉडीज होती है किसके अगेंस्ट, बी के और ए बी के, ये बात याद रखना। मतलब अगर हम ए वाले को बी और ए बी वाला रक्त दे देंगे तो ए वाला व्यक्ति जो होगा उसके रक्त में एंटीबॉडीज इनको मारने का काम शुरू कर देंगी, मतलब अंदर ही अंदर फाइट शुरू हो जाएगी, जैसे हमने ब्लड दे दिया किसी दूसरे व्यक्ति का, इसके अंदर इसका रक्त दे दिया, तो इसके एंटीबॉडीज क्या समझेंगे, तो फॉरेन पार्टिकल है, इसको पकड़ लेंगी और इसको मारने की कोशिश करेंगी, एग्लूटिनेशन हो जाएगी, क्लंपिंग हो जाएगी, जकड़ लेगा इसको, देखो ये जो है ये इसको ऐसे चिपक जाएगी, अगर ये हमने इसमें डाल दी तो ये एंटीबॉडीज इसको ऐसे कैप्चर कर लेंगी, देखो इस प्रकार ऐसे चिपक जाएंगी चारों तरफ इसको, और इसको घेर लेंगी और इसको किल कर देंगी। अब सोच के देखो, हमने रक्त डाला किसी आदमी में और अंदर जाते ही फाइट शुरू होगी तो क्या होगा, क्लंपिंग हो जाएगी भाई, अंदर गुच्छे बन जाएंगे, रक्त आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, क्यों, क्योंकि एंटीबॉडीज ने इनको पकड़ लिया। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके रक्त में बी और ए बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती हैं, और ये जो सरफेस होते हैं ऊपर ये जो पदार्थ चिपका होता है ये एंटीजन का काम करता है, एंटीजन होता है फॉरेन पार्टिकल। तो इस ब्लड ग्रुप के लिए, ए के लिए, बी ने और ए बी ने क्या काम किया, एक एंटीजन का काम किया, तो एंटीजन के रूप में इन एंटीबॉडीज ने इनको एंटीजन के रूप में समझा और इनको पकड़ लिया, बात समझ में आएगी। ये तो बात होगी ए की। अब बी वाले के पास जाएंगे, अब बी वाले के रक्त में देखो एंटीबॉडीज कैसी है, आगे से मुंह देखो इनका, ये इसमें तो फिट नहीं हो सकती, इसमें फिट नहीं होगी बी वाले में, अगर इसमें ही फिट होती तो अपने ही रक्त को मार देंगी ये, तो इसका मतलब है जो एंटीबॉडीज है किसकी, बी वाले की, इनका मुंह ऐसा है ही नहीं जो बी वाले को पकड़ सके, देखो इनका तो गोल है तो ये किसको पकड़ सकती है, इस गोल वाले को। मतलब अगर ए बी वाले के रक्त में ए वाले का रक्त डाल दें तो जो बी वाले की एंटीबॉडीज हैं वो ए वाले को जकड़ लेंगी चारों तरफ से, मतलब इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे चिपक जाएंगी भाई इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको ऐसे पकड़ लेंगी, क्यों, क्योंकि इनके पास ऐसा सिरा है जो इसको पकड़ सके, और इसको पकड़ के क्या करेंगी, क्लंपिंग हो जाएगी, गुच्छा बन जाएगा, अंदर ही फाइट हो जाएगी और व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ही बंद हो जाएगा, क्लंपिंग ही हो जाएगी अंदर। तो जो जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेगी किसके अगेंस्ट, एंटी मतलब ए के अगेंस्ट और ए बी के अगेंस्ट, क्यों, क्योंकि ए बी के पास भी ए वाले के जैसे देखो ये वाला सिरा है, बात समझ में आएगी। तो ए वाले के रक्त में एंटीबॉडीज है किसके खिलाफ, बी के और ए बी के, बी वाले के रक्त में एंटीबॉडीज है किसके खिलाफ, ए वाले और ए बी के। अब ए बी वाले के रक्त में ना तो ए के खिलाफ हो सकते और ना ही बी के अगेंस्ट,
एंटीबॉडीज बन सकती है। क्यों? क्योंकि अगर इसके रक्त में ए के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती तो इसके पास तो ए वाला बी पार्ट है, तो इसकी ही एंटीबॉडीज इसी के रक्त कोशिकाओं को पकड़ लेती, तो इसलिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए इसके रक्त में एंटीबॉडीज ए के अगेंस्ट नहीं है। अब इसके पास तो बी भी है, देखो बी वाला भी योगी इसके साथ चिपका हुआ, इसका मतलब इसके रक्त में बी के खिलाफ भी एंटीबॉडीज नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसके रक्त में ए बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं होती। देखो लिखा है नन, कोई एंटीबॉडीज नहीं है। अब हम देखते हैं ओ का, ये ब्लड ग्रुप ओ है, ओ वाले में जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनमें कोई यौगिक ही नहीं है, सतह के ऊपर कोई यौगिक ही नहीं है, देखो है ही नहीं है, तो कोई नहीं है यौगिक, तो इसके रक्त में क्या होगा, एंटीबॉडीज तो होंगी ना। मतलब इसके रक्त में जब ए वाले प्रकार का कोई पदार्थ नहीं है, बी वाला भी कोई पदार्थ नहीं है, लेकिन रक्त क्या करेगा, रक्त तो अपनी रक्षा करेगा ही, तो वो एंटीबॉडीज बनाएगा किसके अगेंस्ट, ए वाले के अगेंस्ट भी और बी वाले के अगेंस्ट भी। लेकिन इसका ये जो आरबीसी है, ओ वाली आरबीसी, इसके ऊपर कोई भी यौगिक नहीं है, मतलब एंटीजन नहीं है। मतलब हम अगर इसको उठा के इसकी बॉडी में डाल दे तो इसके वाली जो एंटीबॉडी, इसमें तो है ही नहीं वैसे भी एंटीबॉडीज, ठीक है, इसको उठा के इसमें डालेंगे, हम ब्लड को डालेंगे ना कि प्लाज्मा को, कभी ये समझो, सॉरी मतलब सीरम में, सीरम जो होता है, सॉरी प्लाज्मा तो जाएगा, जो सीरम होता है सीरम में होती है एंटीबॉडीज, मतलब हम आरबीसी को उठा के इसमें डालेंगे तो ओ वाला इसमें चला जाएगा आसानी से। क्यों? क्योंकि इसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है, जो इस वैसे तो इसमें एंटीबॉडीज ही नहीं है, एंटीबॉडीज नहीं है तो ये तो इसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा, बनेगी नहीं इसमें तो, क्योंकि इसके ऊपर सरफेस पे नहीं है। लेकिन अगर हम इसको इसके वाले के रक्त में डालें, अब इसमें क्या थे एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट, ये तो ए के अगेंस्ट थी, ये इसके अगेंस्ट भी बना लेता अगर इसके ऊपर कोई यौगिक होता, इसके ऊपर तो कोई एंटीजन ही नहीं है, इसलिए इसके रक्त में कोई एंटीबॉडी नहीं है किसके अगेंस्ट, ओ के अगेंस्ट, इसलिए ओ वाले को हम इसको भी दे सकते हैं, इसमें तो कोई एंटीबॉडीज नहीं है, इसको भी दे सकते हैं, ओ वाले को इसको भी दे सकते हैं। क्यों? देख लो भाई, इसकी सतह के ऊपर कोई यौगिक ही नहीं है, तो यौगिक न होने के कारण इसकी जो आरबीसी है एंटीजन का ही काम नहीं करेगी, जब एंटीजन का ही काम नहीं करेगी तो किसी भी रक्त में एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, मतलब ओ वाले के रक्त को हम किसी को भी दे सकते हैं। ये तो होगी रक्त की बात। अब आते हैं, कई बार हम रक्त लिख देते हैं कि जैसे ए प्लस है और बी प्लस, ऐसे लिखते हैं ना, ओ ए नेगेटिव या ओ नेगेटिव। अब देखो ये प्लस जो होता है, ये प्लस, प्लस का मतलब होता है आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर क्या, आर एच फैक्टर ये समझ लो, आर एच फैक्टर क्या है कि एक ब्लड ग्रुप ही है, ये भी एक अलग प्रकार का क्या है, ये ब्लड ग्रुप ही है। तो आर एच फैक्टर का मतलब क्या है, आर एच क्या होता है, आर एच भी एक ब्लड ग्रुप है। अगर किसी व्यक्ति में आर एच ब्लड ग्रुप भी है तो हम, ये ब्लड ग्रुप तो होगा ही साथ में, अगर साथ में आर एच ब्लड ग्रुप भी है तो हम उस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप के ऊपर लिख देंगे प्लस। मतलब जैसे किसी का ब्लड ग्रुप है ए और उसमें आर एच भी है साथ में, तो हम उसको लिख देंगे ए प्लस। बात समझ आई? अगर उसमें आर एच सिर्फ ए ब्लड ग्रुप है लेकिन आर एच नहीं है तो हम उसको लिख देंगे ए नेगेटिव। बात समझ में आएगी? अब जैसे किसी का ब्लड ग्रुप बी है और साथ में आर एच भी है उसके अंदर, तो हम उसको लिखेंगे बी प्लस। और अगर उसमें आर एच नहीं है, सिर्फ बी है उसका ब्लड ग्रुप और आर एच नहीं है, तो हम उसको लिखेंगे बी नेगेटिव। बात समझ में आएगी? ठीक है भाई। अब ये तो होगा प्लस और माइनस का। जो अब देखते हैं, देखो जिसका भी ब्लड ग्रुप प्लस में है, जैसे ए प्लस है, ए प्लस, बी प्लस, ए बी प्लस, ठीक, ये बात याद रखना, ए ब्लड ग्रुप ए वाले से ले सकता है, या तो ए माइनस वाले से या ए प्लस वाले से ले सकता है, बी वाला ब्लड ग्रुप बी प्लस से ले सकता है या बी माइनस वाले से ले सकता है, याद रखना। देखो ये माइनस वाला जो होता है, अब मैं कह रहा हूं कि ए प्लस वाला जो है वो
ए प्लस वाले से तो ले ही सकता है, सीधी सी बात अभी, क्योंकि ए प्लस और ए प्लस तो बराबर ही है। ए माइनस का मतलब क्या है कि इसमें आर एच फैक्टर नहीं है और इसमें आर एच फैक्टर है, इसमें आर एच फैक्टर है तो ये आर एच के अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा, और इसमें तो आर एच ए माइनस का मतलब है आर एच है ही नहीं, तो हम इसमें सीधा ही डाल देंगे क्योंकि इसमें तो आर एच है ही नहीं भाई। आर एच होता तो ये एंटीबॉडीज बनाता, जैसे हम ए प्लस वाले को ए माइनस में नहीं दे सकते, ए प्लस का ब्लड ग्रुप ए माइनस को नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि ए माइनस के रक्त में आर एच ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी और इसके पास तो आर एच नहीं है लेकिन इसके रक्त में एंटीबॉडीज तो आर एच के अगेंस्ट होंगी, तो ए प्लस वाले के पास आर एच है तो अगर ये इसमें डाल दिया तो इसके अगेंस्ट बन जाएंगी एंटीबॉडीज माइनस वाले के अंदर। एक बात सीधी सी बात ये बस याद रखना मेरी कि जो प्लस वाले हैं जैसे ए ए माइनस और ए प्लस, ये दोनों दे सकते हैं ए प्लस को, बी माइनस और बी प्लस दे सकते हैं दोनों बी प्लस को, ठीक है, और ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस और ए बी माइनस ए बी प्लस ये दे सकते हैं किसको, ए बी को, बात याद रखना। अब बात आती है ओ वाले की, तो ओ प्लस ओ प्लस ओ प्लस को दे सकता है ब्लड ग्रुप, ओ प्लस को दे सकता है ओ प्लस दे सकता है ए प्लस को भी, बी प्लस को भी, ए बी प्लस को भी, ठीक है, और ओ प्लस को भी। बात समझ में आएगी, ये याद रखना, माइनस वाला प्लस वाला को दे देगा लेकिन प्लस वाला किसी माइनस वाले को रक्त कभी नहीं दे पाएगा, ये बात याद रखना, माइनस वाला प्लस वाले को दे देगा लेकिन प्लस वाला माइनस वाले को नहीं दे पाएगा। जैसे ओ प्लस जो होता है, ओ प्लस जिसका ब्लड ग्रुप है वो प्लस वाले के जितने भी है प्लस वाले सभी को दे देगा, जैसे ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस ओ प्लस सभी को दे देगा, ओ पॉजिटिव जिसका है, मतलब मैं प्लस प्लस कह रहा हूँ पॉजिटिव बोलेंगे, तो ओ पॉजिटिव जिसका है वो पॉजिटिव वाले को सभी को दे देगा, और ओ नेगेटिव जिसका है, ये बात याद रखना, ओ नेगेटिव ये तो भाई सभी को ही देगा, नेगेटिव वाले को भी और पॉजिटिव वाले को भी, ओ नेगेटिव, ठीक। लेकिन एक खास बात मैंने बताया था कि कभी भी नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले से नहीं ले सकता, ओ पॉजिटिव जिसका ब्लड ग्रुप है ना वो दे तो सब को सकता है पॉजिटिव वाले को, लेकिन ले सकता है सिर्फ ओ पॉजिटिव से और ओ नेगेटिव से, ठीक। इसके लिए कंडीशन है कि ओ पॉजिटिव से ले सकता है और ओ नेगेटिव से, लेकिन ये पॉजिटिव वाले सभी को दे देगा, ए प्लस को, ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को, सभी को दे सकता है। लेकिन अगर बात आती है ओ नेगेटिव की तो याद रखना ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप सिर्फ ओ नेगेटिव ही दे सकता है, ओ नेगेटिव को और कोई ब्लड ग्रुप ऐसा नहीं है जो ओ नेगेटिव को ब्लड दे सके, तो ओ नेगेटिव जो होता है वो बहुत रेयर ब्लड ग्रुप होता है, तो ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, सभी को रक्त दे सकता है चाहे माइनस वाले हैं चाहे प्लस वाले, लेकिन ओ माइनस वाला सिर्फ ओ नेगेटिव वाले से ही ले सकता है, ओ नेगेटिव से ही ले सकता है और किसी से ब्लड नहीं ले सकता, ये बात याद रखना। ओ नेगेटिव को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर और ए बी पॉजिटिव को बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ए बी पॉजिटिव को, ए बी माइनस को नहीं कह रहा मैं, ए बी नेगेटिव अगर है तो ए बी नेगेटिव, नेगेटिव में तो पॉजिटिव डाल ही नहीं सकते, ये समझ लो बस, नेगेटिव वाले में कोई पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं डाल सकते, हाँ नेगेटिव वाला पॉजिटिव में डाला जा सकता है, तो ए बी प्लस वो तो हो गया यूनिवर्सल एक्सेप्टर लेने वाला और ओ नेगेटिव हो गया यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव की बात करें तो ओ पॉजिटिव सभी पॉजिटिव वाले को दे सकता है लेकिन माइनस वाले को नहीं दे पाएगा, ओ माइनस जो है ये सभी को दे सकता है माइनस वाले को भी और पॉजिटिव वाले को भी, ठीक है भाई, बात समझ में आएगी। ये तो थी वैसे कॉमन सेंस की बात, अब बात करते हैं कि जो ये ब्लड ग्रुप है इसका निर्धारण किस प्रकार होता है, मतलब इसको इसका इनहेरिटेंस कैसे होगा, मतलब वंशानुक्रम कैसे होगा। देखो
ये जो चीज ऊपर बनती है इनके ऊपर, इसको कोई जीन नियंत्रित करता है और उस जीन का नाम है आई जीन कैलोरी आई। और इस आई जीन के तीन रूपों में मिलता है ये, जैसे हमने पढ़ा कि प्रत्येक जीन के दो रूप हैं, लेकिन इस जीन के तीन रूप हैं। कौन कौन से? एक होता है आई ए, एक होता है आई बी, एक होता है आई ओ। बात समझ में आएगी? जो जिसका ब्लड ग्रुप ए है, अब हमें पता है जब भी कोई जीन होगा वो हमेशा जोड़े में ही होगा। जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें कौन कौन से जीन हो सकते हैं गुणसूत्र पे? ये गुणसूत्र है, समझ लो। इस गुणसूत्रों पे या तो आई ए और आई ए, ये तो दोनों प्रभावी हैं, तो इन दोनों की वजह से क्या आएगा? ए ब्लड ग्रुप आ जाएगा। लेकिन एक दूसरा भी हो सकता है जिसके कारण ए ब्लड ग्रुप आ सकता है, वो होगा, ये गुणसूत्र है, यहाँ आई ए है और यहाँ आई ओ है। ये आई ओ क्या है? ये अप्रभावी है, तो ए वाला अपना प्रभाव दिखाएगा, तो बन जाएगा यहाँ भी ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, तो जिसका भी ब्लड ग्रुप ए है उसमें गुणसूत्र क्या हो सकते हैं? उसमें गुणसूत्र हो सकता है आई ए आई ओ। पॉसिबिलिटी है कि उसमें आई ए आई ओ हो या आई ए ये हो, तो इन दोनों से ब्लड ग्रुप क्या आएगा? ए। अगर जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसमें क्या पॉसिबिलिटी है? उसमें पॉसिबिलिटी है कि उसमें आई बी या आई बी, एक तो ये हो सकता है, दूसरी क्या है? या आई बी और आई ओ। बात समझ में आएगी? जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें क्या होगा? उसमें गुणसूत्र पे एक पे आई ए होगा, एक पे आई बी होगा। एक बात याद रखना इसमें, अब इनमें से कोई भी प्रभावी अप्रभावी नहीं है, ये दोनों समान मात्रा में अपने गुणों को दिखाते हैं। ये एक्सेप्शन है मेंडल का, मैंने बताया था उस टाइम भी कि मेंडल के रूल हर जगह एक्सेप्ट नहीं होते। तो ये समझ लो यहाँ पे जो दोनों जीन है ना गुणसूत्रों पे, इस ब्लड ग्रुप में आई ए और आई बी, ये दोनों समान रूप से अपने प्रभाव को दिखाते हैं। समान रूप से अपने प्रभाव दिखाए तभी तो समान मात्रा में इसके ऊपर ये पदार्थ बने हैं। यहाँ सिर्फ बी ने अपना प्रभाव दिखाया तो बी के ही देखो ये यौगिक बने सारे ऊपर, या सिर्फ ए ने अपना प्रभाव दिखाया तो एक प्रकार के सारे यौगिक बने हैं, क्योंकि तो जीन है ये तो किसी प्रोटीन के बनने में को नियंत्रित करता है, और जो ये प्रभावी था तो ये प्रोटीन का निर्माण हुआ, जब बी प्रभावी था तो ये प्रोटीन का निर्माण हुआ, जब दोनों प्रभावी हुए तो दोनों का निर्माण हो गया। अब जिसके ब्लड ग्रुप आई ओ है, ओ इसका मतलब देखो इसमें तो कोई भी यौगिक नहीं बना, इसका मतलब है इसमें दोनों ही जीन अप्रभावी है, और अप्रभावी कौन सा है? आई ओ और आई ओ। इसका मतलब है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसमें जीन किस प्रकार के होंगे? उसमें आई ओ और आई ओ कंडीशन होगी। बात समझ में आएगी? तो इस प्रकार हम ये देखकर बता सकते हैं कि ब्लड ग्रुप का एक मतलब एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरण किस प्रकार होगा। जैसे मान लेते हैं भाई कि किसी के इधर मान लेते हैं कि किसी के फादर का ब्लड ग्रुप ए है, ए, और उसकी माँ का ब्लड ग्रुप ओ है, तो बच्चे में ओ ब्लड ग्रुप आने की क्या पॉसिबिलिटी है? है क्या पॉसिबिलिटी देखने? जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके फादर का, उसमें पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर गुणसूत्र कैसे होंगे? या तो आई ए ये हो सकते हैं, या फिर आई ए आई ओ ये हो सकते हैं। इन दोनों में तो कोई भी हो सकता है, तभी तो उसके फादर का ब्लड ग्रुप ए होगा। लेकिन मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है, तो इसका मतलब इसमें तो आई ओ और आई ओ ये कंडीशन ही मिलेगी। बात समझ में आई? अब मान के चलते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप ये है ऊपर वाला, तो इस कंडीशन में जब वो गैमेट बनाएगा तो आई ए ये अलग हो गया, आई ए ये अलग हो गया, और इधर तो बनेगा आई ओ, एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा इधर। जब ये इससे मिलेगा तो कंडीशन आएगी आई ए आई ओ, ये इससे मिलेगा आई ए आई ओ, तो मतलब इस कंडीशन में सभी बच्चों का ब्लड ग्रुप कैसा आएगा? ए आएगा। कब? जब फादर का ब्लड ग्रुप ए है,
लेकिन वो ए कौन सा, अगर वो शुद्ध ए है तो, लेकिन हमें नहीं पता कि वो शुद्ध है कि नहीं है, उसने तो कह दिया सिर्फ फादर का ब्लड ग्रुप ए है। तो ए में दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये है, अगर ये है तो सभी बच्चों का ब्लड ग्रुप आएगा ए, लेकिन उसने कहा कि कोई एक बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, तो इसका मतलब क्या है, उसके फादर में जीनोटाइप कैसा होगा, आई ए और आई ओ होगा, आई ए और आई ओ होगा। क्यों? क्योंकि जब ये कंडीशन होगी तभी किसी बच्चे में ओ ब्लड ग्रुप आ सकता है। इसके साथ हमने देख लिया कि किसी भी बच्चे में ब्लड ग्रुप ओ नहीं आएगा, तो फादर का एक्चुअल जीनोटाइप क्या हुआ, ये होगा आई ए आई ओ। अब इसकी क्रॉसिंग करके देखो, आई ओ ये फादर का, ये मदर का है, तो इसमें आई ए बनेगा और आई ओ बनेगा, ये बना ये बना, यहाँ आई ओ यही बनेगा। अब इसके साथ करेगा तो आई ओ ये तो ब्लड ग्रुप ए आ जाएगा, जब ये इसके साथ करेगा तो आई ओ ये ब्लड ग्रुप आ जाएगा ओ, ठीक है। तो फादर का जब ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो और उनमें से किसी एक बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है पहले से, तो उसके फादर का जीनोटाइप क्या होगा, तो फादर का जीनोटाइप होगा आई ए आई ओ। हालांकि ब्लड ग्रुप ए है, जीनोटाइप आई ए भी हो सकता था, लेकिन बच्चे में ओ ब्लड ग्रुप कब आएगा, तब जब फादर का जीनोटाइप आई ए आई ओ हो सकता है। तो ये था भाई ब्लड ग्रुप का निर्धारण किस प्रकार होता है, ये बात याद रखना कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने के लिए एक जीन होता है आई, और वो आई जो जीन है वो तीन रूपों में मिलता है, आई ए आई बी और आई ओ। इनमें से कोई दो पेयर मिलेंगे, मतलब आई ए तो ब्लड ग्रुप ए, आई ए आई ओ तो भी ब्लड ग्रुप ए। बात समझ में, ये मैंने आप सबको ये पूरा आप लोगों को समझा दिया है, अगर समझ में नहीं आता तो बार बार वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट कर देना, हम इसको दोबारा से समझा देंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।